वेलकम बैक। हेलो स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो आज हमारा जो पर्सन नेक्स्ट पर्सन वो ये लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए और इसके गुण दोषों का परीक्षण कीजिए, लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। जैसे कि अपन देखते हैं लोकतंत्र है या प्रजातंत्र, जो एक ही दोनों, इसको इस प्रकार देखिए लोकतंत्र है क्या, पहले ये समझना होगा ये अपने को। जैसे अपन बार बार ये कर देंगे लोकतंत्र लोकतंत्र है, जिसमें ये सिद्ध बात ये देख सकते हैं जो प्रभु सत्ता का जो निवास होता है वो जनता में होता है, जो शासन करने की जो शक्ति होती है वो जनता में इसमें निवास होती है, जो शासन को संचालित करने नियंत्रण करना इसे प्रभावी रूप से लागू करना ये जनता में इसे रहते हैं। नेक्स्ट इसमें अपनी विस्तृत रूप में ये भी देख सकते हैं, प्रजातंत्र एक शासन प्रणाली के रूप में प्रजातंत्र की प्रसिद्धि अधिक है। आज विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति बिल्कुल सही है। जैसे कि अपन इसको ये देख सकते हैं जो अधिकांश विश्व के देश है जिस दुनिया, तो उसमें ज्यादातर ये लोकतंत्र की पद्धति को अपनाया गया। इसमें राजनीति विज्ञान में प्रजातंत्र का अध्ययन विशेष रूप से एक शासन प्रणाली के रूप में किया जाता है। इस प्रकार अपन देख सकते हैं इसका अध्ययन एक शासन प्रणाली के रूप में होता है और इसकी जो जननी है लोकतंत्र की वो ब्रिटेन को अपन मानते हैं। जैसे कि ये प्रजातंत्र का अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमास और क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमास का अर्थ है जनता और क्रेटिया का अर्थ है शासन है। इस प्रकार शब्द उत्पत्ति से डेमोक्रेसी का अर्थ जनता का शासन से, हिंदी में डेमोक्रेसी के लिए प्रजातंत्र या जैन तब तथा लोकतंत्र आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। इन सभी शब्दों में प्रजाजन तथा लोक सबका अर्थ है जनता है, तंत्र का अर्थ है शासन है। इस प्रकार हिंदी शब्द उत्पत्ति में भी प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन है। प्रजातंत्र का वह शासन पद्धति है जिसमें पर शक्ति जनता के आतर में होती है, जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप में शासन करती है अथवा प्रतिनिधियों का चयन करती है जो जनता के नाम पर शासन करते हैं तथा अपने शासन के कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रजातंत्र में जो इसी देख सकते हैं कि अपन जो जैसे कि लोकतंत्र में है तो जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा होता है। जैसे कि अपन इसमें उपयुक्त परिभाषा देख सकते हैं अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन हो प्रजातंत्र होता है। जैसे अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति है, उन्होंने बताया कि जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा जो संचालित होता है वो लोकतंत्र कहलाता है। जैसे कि सीले ने कहा है प्रजातंत्र वे शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। ये जरूरी नहीं कि जैसे अपन लोकतंत्र में ये भी कह सकते हैं जैसे प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी कानून बनाने जाते हैं, परंतु वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसका भी इसमें भाग है। जैसे 5 साल में जब भी उनको वोट डालने का मौका मिलता है तभी यही लोकतंत्र के माध्यम से निर्धारित करते हैं कौन मेरा प्रतिनिधि होगा, कौन नहीं, बहुमत के द्वारा उसे सरकार में भेज दें और अपना हिस्सा निर्धारित करते हैं। डायस के अनुसार भी प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र की अपेक्षा एक बड़ा भाग हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें उपयुक्त प्रजातंत्र की जो परिभाषा उनका तुलनात्मक विश्लेषण के बाद उसमें निम्न विशेषता होती है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, बिल्कुल सत्य है कि जो शासन करने की जो शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है। नेक्स्ट इसमें जनता के प्रति शासन, जो लोकतंत्र में जो शासन किया जाता है वो जनता के प्रति किया जाता है, जो उनके प्रतिनिधि जो शासन करते हैं जनता को ध्यान में रखकर जो शासन करते हैं कानून उनके द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं उत्तरदायी शासन। अब ये देखना होगा उत्तरदायी शासन है क्या, जो शासन जो जनता के कार्य है जो शासन कर रहे तो उनके उत्तर देने के प्रति भी यही होता है कि इसने इस प्रकार से कार्य किया जनता की देखरेख में किया। जैसे कि अपनी भारतीय संसद चलती है तो इसमें यह देखा जाता है कि जब एक मंत्री से संसद के अन्य सदस्य उससे सवाल जवाब करते तो वह एक उत्तरदायी शासन का रूप है। नेक्स्ट अपन देखते स्वतंत्रता समानता एवं वंदन के सिद्धांत पर आधारित शासन। इसमें क्या है लोकतंत्र में स्वतंत्रता का ध्यान दिया जाता है, समानता सभी को सम्मान मूल्य या आर्थिक गति नीति या सभी के लिए समानता के रूप में लागू किया जाता है। बंधन के सिद्धांत पर आधारित सभी एकजुटता से कार्य करते हैं, पूरे देश में एकता बनाए रखते हैं। उपयुक्त नीचे अपन देखते हैं इसी में कि
प्रजातंत्र के गुण क्या है, इसके गुण भी कह सकते हैं, यही प्रजातंत्र के महत्व के भी हो सकते हैं या महत्व के नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि आधुनिक समय में प्रजातंत्र का सर्वोत्तम शासन पद्धति माना जाता है, बिल्कुल सही कि जो आधुनिक समय में अपन बात करते हैं जो प्रजातंत्र, प्रजातंत्र की पहले आप बताएं कि प्रजातंत्र है क्या, जो प्रजातंत्र अभी देखा था उपयुक्त अपन ने आधुनिक समय में उसको, इसके गुण क्या रहे, इसका महत्व क्या रहा है, जिसे उपयुक्त अधिकांश देश इसे अच्छा मानते हुए प्रजातंत्र शासन प्रणाली का अच्छा है, इसके क्या गुण रहे हुए, इस प्रकार है जन कल्याणकारी शासक। देखो इसमें जो भी ये है, जो लोकतंत्र है जन कल्याणकारी, वो सीधी बात यह है कि अपने जो जन कल्याणकारी, इसमें लोकतंत्र में जो जनता के कार्य, जनता के भलाई के लिए कार्य किए जाते हैं, जनता के जो कल्याण के संबंधित कार्य किए जाते हैं, जनता की जो नीतियां होती है उन्हीं को लागू किया जाता है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं उत्तरदायी शासन, सर्वोत्तम शासन वह होता है जो अपने शासन के कार्यों के प्रति लिए जनता के प्रति उत्तरदायी, बिल्कुल सही भी आपको पहले बताया कि उत्तरदायी शासन सर्वोत्तम शासन है, इसमें जो जनता है, जो भी जनप्रतिनिधि शासन कर रहे हैं वो अपने उत्तर देने के लिए भी बाध्य है, अपने शासन कर रहा है तो उसके प्रति जो उत्तर देने के लिए भी वो निर्धारित, जो भी विधायक जो सत्तर चलते हैं शीतकालीन सत्तर चलते हैं, मानसून सत्तर चलते, तो एक मंत्री से अन्य सदस्य संसद के सदस्य से सवाल जवाब करते कि ऐसे कैसे शासन किया, किस प्रकार किया, तो वो उत्तरदायी देने के लिए वो बाध्य होते हैं, जो अपने प्रति उत्तरदायी देते हैं। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि जब एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो संपूर्ण सरकार गिर जाती है, इस प्रकार पूरी शासन व्यवस्था जो सिस्टम होता है उसके अनुसार ये देख सकते हैं कि उत्तरदायी शासन सर्वोत्तम इसमें होती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्वतंत्रता है तथा समानता पर आधारित है, प्रजातंत्र में जो इसमें मूल्य पर प्रधानता की जाए स्वतंत्रता पर आधारित होती है, स्वतंतरता सभी को समान रूप से होती है, जैसे मत करने की स्वतंत्रता है, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सभी को उस प्रकार की समानता प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसमें समानता पर आधारित, ये लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण है ये समानता पर आधारित, इसमें भेदभाव को समाप्त किया जाता है, सभी को समानता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है जनता का नैतिक उत्थान, जो लोकतंत्र में जनता के प्रति कार्य किए जाते हैं उसके उत्थान के संबंधित इसमें देखा जाता है कि जनता के कल्याण कैसे उसके संबंध में कार्य किए जाते हैं, उसके प्रति दया भाव रखा जाता है, उसके प्रति न्याय व्यवस्था कैसे वो बनाए रखा जाता है लोकतंत्र में। नेक्स्ट अपन देखते हैं राजनीतिक प्रशिक्षण, बिल्कुल सही, लोकतंत्र में जो राजनीतिक प्रशिक्षण भी मिलता है, जैसे ग्राम पंचायतों से ही ऐसी राजनीतिक प्रशिक्षण की शुरुआत हो जाती है कि राजनीति में जो प्रशिक्षण है, जैसे पंचायत से इसकी पाठशाला माना जाता है और धीरे धीरे एक रूप प्रशिक्षण के रूप में प्रदान करते हैं लोकतंत्र में, जैसे शुरू में जैसे कोई भी व्यक्ति वार्ड पंच के रूप में चुनाव लड़ता है, फिर बाद में सरपंच के रूप में, जैसे एमएलए के रूप में, फिर बाद में संसद के सदस्य के रूप में, इस प्रकार ये प्रशिक्षण भी प्रदान करता है लोकतंत्र। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें प्रजातंत्र के दोष या लोकतंत्र के दोष, यह इसकी आलोचना भी कर सकते हैं, आलोचनाओं से संबंधित आ जाइए, इसकी अप्रांसिकता कैसे वो भी इसमें देख सकते हैं कि इसको अभी क्या कमी रहेगी इसमें। नेक्स्ट अपन देखते हैं अयोग्यता का शासन, बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र है क्या अयोग्यताओं का शासन है या मूर्खों का शासन भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें चुनाव जीतने के बाद में या चुनाव जिसमें मान लो जैसे कोई क्षेत्र है, इसमें अगर किसी भी व्यक्ति की अच्छी जान पहचान है, अच्छा बहुमत है और वो अगर चुनाव जीत जाता है, या सक्षम जैसे पढ़ा लिखा कम हो, बोलने का भी अंदाज ज्यादा नहीं हो, जैसे ज्ञान भी नहीं हो, तो वो आराम से उस पर शासन करता है। जैसे अपन गाँव में देखते हैं इस उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे एक सरपंच होता है वो अपनी पूर्व सरपंच होता है, वो कोई भी पुरुष से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा देता है और बाद में चुनाव लड़वाने के बाद में उसके नाम पर खुद शासन करता है, तो वो एक है ना अयोग्यता का शासन हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत, गलत आलोचकों का यह भी कहना है कि प्रजातंत्र में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत गलत है, ये गुण के स्थान पर संख्या पर अधिक बल देता है, बिल्कुल सही कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो भी विद्वान है मूर्ख सबका मूल्य एक हो जाए, जो भी फड़े जी से स्नातक किए हुए हैं एक अनपढ़ व्यक्ति उनके भी मूल्य बराबर हो जाते, तो इसके द्वारा क्या एक व्यक्ति का एक मत का सिद्धांत ये गलत है, इसके द्वारा वो आलोचक करते हैं कि ये गलत है, जैसे फटा हुआ है बिल्कुल अनपढ़ उसके बराबर इसी का मूल्य मत माना जाता है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं उग्र दलबंदी,
बिल्कुल सही है कि जो लोकतंत्र में देखा जा सकता है उग्र दलबंदी होती है, जैसे कि कोई दलें इसमें ये एकता कर ली जाती है, जैसे जातिवाद के नाम पर लोकतंत्र में वोट डलवाए जाते हैं, जातिवाद के नाम पर वोट मांग लिए जाते हैं, तो एक दल बना लिया जाता है, जैसे धर्म के नाम पर दल बना लेते हैं, तो इस प्रकार ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है और इसकी आलोचना भी है। नेक्स्ट अपन देखेंगे वैशील शासन। बिल्कुल सही कि ये वैशील शासन, इसमें जो भी बाहुबली होते हैं, धन बली होते हैं, जिनके पास धन ज्यादा होता है, वो इसमें खूब रुपए खर्च करते हैं और फिर शासन चुनाव जीतने के बाद में वो अपना खजाना पहले करते हैं, अपना स्वयं का ध्यान ज्यादा रखते हैं। इस प्रकार इसकी आलोचना की जाती कि ये वैशील शासन है, बिल्कुल वे किया जाते हैं अत्यधिक मात्रा में चुनाव खर्च करने के लिए, जैसे निर्धारित सीमाओं से ज्यादा इसमें खर्च होते हैं। नेक्स्ट होता है अस्थायी शासन। लोकतंत्र जो है बिल्कुल स्थायी शासन नहीं है, जब भी इसमें अपन ये देख सकते हैं कि जब भी सरकार के पास बहुमत नहीं रहता है तो ये क्या सरकार गिर जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में ये देख सकते हैं, जैसे अपने लोकसभा में 545 वर्तमान में जो सीटें हैं उनमें से सरकार को बनाने के लिए आधे सदस्य चाहिए एक दल के पास, अगर एक दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं आता तो दूसरे दलों को अपने पास मिला था, दूसरे दल वाले जब सदस्य बीच में ही अपना समर्थन वापिस ले लेते हैं तो वो सरकार गिर जाती है। इस प्रकार ये लोकतंत्र अस्थायी शासन भी होता है। नेक्स्ट है बहुमत दल का अधिनायक। बिल्कुल सही, जब भी संसद में या विधानसभा में जो बहुमत आ जाता है जिस दल के पास में, वो अधिनायक तंत्र के रूप में तानाशाह के रूप में शासन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 साल तक जब अपने पास दल जो अपने बहुमत से अपने कोई खतरा नहीं है, तो इस प्रकार वो एक तानाशाह का रूप ले लेता है अपन। नेक्स्ट अपन इसमें ये देखते हैं कि लोकतंत्र की जो अपने ये देखा है इसमें क्या कमियां है, क्या दोष, क्या गुण है, इसमें अभी इसको सफल कैसे बनाए, इसके लिए क्या शर्तें हैं, वो अपन इस प्रकार देख सकते हैं। आज विश्व के जो अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इस व्यवस्था का सत्य ये भी है कि आज इसकी सफलता के मार्ग में अनेक बाधाएं, जैसे कि अशिक्षा है, निर्धनता है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, आतंकवाद है, राजनीतिक अपराधीकरण है और भ्रष्टाचार लोकतंत्र के प्रमुख बाधक तत्व है। चुनाव में मतदाताओं की उदासीनता ने इसे व्यवस्था को पंगु बना दिया है। लोकतंत्र की सफलता हेतु निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक है, जैसे कि नागरिकों में सतत राजनीतिक जागरूकता होनी, बिल्कुल सही कि नागरिक चुनाव के प्रति जागरूक होने चाहिए, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम जागरूक होने चाहिए, उन्हें समय समय पर अपनी मांगे माननी चाहिए, उन्हें जागरूक रखना रहना चाहिए जनता को प्रत्येक समय। नेक्स्ट अपन देख सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, जिसमें ये लोकतंत्र में सफल बनाने के लिए दया की भावना होनी चाहिए। आंतरिक शांति, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, जिससे कि अपन जो इसमें है कि राज्य में जो आंतरिक शांति रहेगी तभी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा अपन रखेंगे तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा। अगर अपन राज्य में शांति नहीं रखेंगे, दरोगे से दंगे प्रसाद करेंगे तो लोकतंत्र कायम नहीं रहेगा ज्यादा दिनों तक। नेक्स्ट अपन देखते हैं जनता का शिक्षित होना। जनता शिक्षित भी होनी चाहिए, बिल्कुल साक्षर होनी चाहिए, जब भी जनता इसके प्रति लोकतंत्र के प्रति जान सकेगी या चुनाव के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में जान सकती है, जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक समानता की स्थिति, सभी को आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, ऊंच नीच की भेदभाव का समाप्त होनी चाहिए तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता की भावना, सभी में स्वतंत्रता की भावना से देखना चाहिए, ये भी स्वतंत्र है, वो भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र है, इस प्रकार लोकतंत्र सफल हो पाएगा। ये देख लें नेक्स्ट विधि का शासन, यहाँ ये भी होना चाहिए कि सभी में विधि का शासन सभी के लिए बराबर है, कानून लागू सभी के लिए, इसी भावना को रखकर अपन लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। नेक्स्ट देख दें नागरिक अधिकार, जिन अधिकार प्रदान किए गए मौलिक अधिकार प्रदान किए सभी के लिए, सभी को प्रदान किए गए, इनके माध्यम से अपन स्वतंत्रता कायम रख सकते हैं। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, बिल्कुल सही है, जैसे कि न्यायपालिका में जैसे न्याय पुनरावलोकन का जो अपनाया हुआ है वो भी सही है, जो व्यवस्था की गई कानूनों को दोबारा पुनरावलोकन करके उन्हें अवैध भी घोषित कर देता है, तो इस प्रकार न्यायपालिका की सर्वोच्चता होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट अपन है स्वतंत्र एवं निर्भय प्रेस होनी चाहिए, जो पत्रकारिता जो प्रेस है मीडिया इनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इन्हें आजादी देनी होनी चाहिए, इसी के माध्यम से अपन लोकतंत्र को सफल बना सके। नेक्स्ट अपना है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन जो है स्थानीय शासन व्यवस्था के द्वारा ही अपन लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं, जो छोटे स्तर पर एक लोकतंत्र का प्रतीक होता है, जैसे अपने ग्राम पंचायत होती है।
ठीक है। नेक्स्ट अपन देख संविधानवाद, जो इसमें कानून जो नीति होगी वो संविधान के द्वारा निर्धारित होगी, शासन का रूप रहेगा वो संविधान के द्वारा ही निर्धारित रहेगा। नेक्स्ट है कुशल नेतृत्व, जो शासन करने वाला जो मुख्य होता है, जैसे अपने राज्य में देख रहे मुख्यमंत्री होते हैं बिल्कुल कुशल नेतृत्व वाला हो, जैसे देश में प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति बिल्कुल कुशल नेतृत्व प्रदान करता हूँ, जिससे देश का नाम अच्छा हो और अपनी राजनीति भी अच्छी रहे, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट अपन देख स्वच्छ राजनीतिक वातावरण, जो इसमें राजनीति में अपन देखते कभी कभी एक दल दूसरे दल पर आरोप लगाता है, नेक्स्ट ये करता है वो करता है, तो इस प्रकार में लोकतंत्र के लिए घातक होते हैं। तो अपन स्वच्छ राजनीतिक वातावरण होने, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, उसी के आधार पर सरकार बननी चाहिए, तो लोकतंत्र के लिए अच्छे है। सर्वप्रथम निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए सभी के लिए, जो ये चुनाव होते हैं जो समय समय पर वो ईमानदारी से होने चाहिए, जो योग्य व्यक्ति चुनकर आने चाहिए। निष्कर्ष रूप में भी एक ऐसे उपयुक्त परिस्थितियों के अभाव में किसी भी देश में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, जो लोकतंत्र के लिए उपयुक्त परिस्थितियों को सुधार करना अति आवश्यक है।